का आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 1 के हिंदी व्याकरण अध्याय है 6 और चैप्टर जो है अध्याय जो है वह है वाक्य। सबसे पहले जानते हैं वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। तो ये शब्द शब्द कैसे बने? वर्ण से, वर्णों के मेल से क्या बने? शब्द। और शब्दों के मेल से क्या बन रहे हैं? शब्दों के मेल से वाक्य बन रहे हैं। वाक्य में क्रम का होना भी आवश्यक है। तो वाक्य में क्या जरूरी है? क्रम। क्रम मतलब कोई भी शब्द हम बैठा रहे हैं तो उसका कोई अर्थ होना चाहिए, है ना? ये मतलब का कोई अर्थ नहीं बैठाना चाहिए। वाक्य में क्रम का होना भी आवश्यक है। और क्या है? वाक्य में क्रिया का होना भी जरूरी है। जैसे उदाहरण में चलते हैं, यहाँ पे रेलगाड़ी जा रही है, तो यहाँ पर रेलगाड़ी क्या हुआ? रेलगाड़ी हो गया कर्ता, और जाना क्या हो गया? जाना हो गया कर्म। और रही है मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, ये हो गया क्रिया। नलिनी कपड़े धो रही है, नलिनी क्या कर रही है? कपड़े धो रही है। नलिनी यहाँ कर्ता हो गया, कपड़े यहाँ क्या हो गया? कपड़े यहाँ क्रम कर्म हो गया, धो रही है, धोना धोने वाला काम हो गया क्रिया। ये धोना धो रही है, धोना क्या हो गया? क्रिया, है ना? और ये हो गया कर्म। और नलिनी क्या है? नलिनी है कर्ता। और तो हमको क्या मिला? जे शब्दों के मेल को ही वाक्य कहते हैं। यहाँ पे कई शब्द मिला, एक मिला नलिनी कपड़े धो रही है, तो 1 2 3 4 5 पांच शब्द से एक सेंटेंस वाक्य बना। और इसमें नलिनी क्या है? कर्ता, कपड़े धोना कपड़े हुआ कर, और धोना धोना क्रिया, धो रही है यहाँ कपड़े धोना क्रिया। और उदाहरण की तरफ चल रहे हैं, लिख। देखो उल्टा पुल्टा उदाहरण में जैसे हम बोले हैं जे वाक्य में कर्म क्रम का होना आवश्यक है, तो मतलब सही अर्थ होना चाहिए। जैसे लिख है, पत्र सीमा रही, इसका मतलब कुछ समझ में आया? नहीं आया, तो इसको सही करके पहले लिखते हैं, उसके बाद इसका पता करते हैं क्या लिखा हुआ था। जैसे सीमा पत्र लिख रही है, तो आप क्या शब्द बना? ऐसे वाक्य बना सीमा 1 2 3 4 5, यहाँ भी पांच शब्द मिलके एक वाक्य बना। और इसमें क्या बना? जो सीमा पत्र लिख रही है, सीमा यहाँ पर क्या लिख रही है? पत्र लिख रही है, तो इसमें सीमा हो गया कर्ता, और पत्र क्या हुआ? पत्र हो गया कर्म, और क्रिया है लिख रही है, ये जो है ये लिख रही है। यहाँ फिर दूसरा जगह उदाहरण देते हैं, हमारा है कुत्ता ये, तो ये भी सही से लिखा हुआ नहीं है, इसको सही करके लिखते हैं। यह कुत्ता हमारा है, है ना? यह कुत्ता हमारा है, तो इसमें ये जो है 1 2 3 4 चार शब्दों के मेल से क्या बना? वाक्य बना। तो यह कुत्ता हमारा है। तो यहाँ पे दूसरा उदाहरण देखते हैं, है नाम रोहित मेरा,